हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में जो है ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये रेसिपी जो है बथुआ के पराठे हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे बनाया इसको मैंने। और बथुआ के पराठे और पूरी जो है वो मैं कई तरीक़ों से बनाती हूँ। एक तरीका मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, तो वो मैंने पूरी बनाई थी, पराठे नहीं बनाए थे। और आज मैं आप लोगों के साथ में दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये बथुआ है, इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके और दो तीन पानी से धो लिया है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत होती है। तो इसकी हम प्यूरी बनाएंगे। तो सबसे पहले जो इसको हम पीस लेंगे, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके हम पीसेंगे इसको। तो बथुआ को थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद ये कम हो गया है, तो अब जो है जो बचा हुआ बथुआ है वो भी डाल देंगे इसके अंदर। और साथ में यहाँ पे डाल देंगे दो तीन हरी मिर्च और धनिया की पत्तियाँ, इनको भी साथ में हम पीस लेंगे। तो इसका हमें बारीक सा पेस्ट बना के रेडी करना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे तो इसका पेस्ट अच्छे से बन पाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बथुआ का पेस्ट है वो रेडी हो गया है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको ऐसे ही पीसना है। तो आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से हमें चाहिए। चलिए अब आटा लगा लेते हैं। और इसका आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, दो तीन बड़े चम्मच। आपको जितना बनाना हो आप उस हिसाब से बनाइएगा, मतलब आटा लीजिएगा। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और नमक डालते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बथुआ में भी हमने थोड़ा नमक डाला था, तो यहाँ पर थोड़ा कम ही डालेंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है इसके अंदर हाथों पर क्रश करके, और एक चुटकी हींग डाली है। ये हींग जो है ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद जो हमने बथुआ का पेस्ट बनाया है उसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे, और फिर जो है आटे को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम ये जो बथुआ ने पीसा है ना, तो इसमें थोड़ा सा पानी से इस तरीके से घोल करके और इसके अंदर डाल देना है। तो अगर आपका आटा कम है तो आप इसमें जो है पानी मत डालिएगा पहले, पहले आप बथुआ को अच्छे से मिला लीजिए और फिर देखिए, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पानी डालिए, वरना मत डालिए। तो हम आटे को अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और थोड़ा सा पानी हमें डालना पड़ेगा, तो बहुत ज़रा सा पानी हम डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसका अच्छा सा एक आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे, सॉफ्ट सा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो बथुआ का आटा है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने आज बथुआ को पीस करके आटा लगाया है, या फिर मैं हमेशा बॉईल करके इसका आटा बनाती हूँ। तो चलिए फिर पराठा जो है रोल करना शुरू करते हैं, मतलब बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, एक रोटी जितना। और मैं जो है यहाँ पे, आप चाहें तो प्लेन पराठा भी बना सकते हैं, जैसे आप रोटी बनाते हैं ना उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तिकोना पराठा बनाया है, क्योंकि आटा हमारा स्मूथ है तो इसलिए मेरा मन किया कि तिकोना ही बना लेते हैं। तो पहले आटे में हम थोड़ा सा इस तरीके से सूखा आटा लगाएंगे लोई में, और इसको जो है एक रोटी जैसा बेल कर तैयार कर लेंगे। और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इस पे घी या तेल जो आपको पसंद हो वो लगाना है, और फिर फोल्ड कर देना है। तो जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना, प्लेन वाले, उसी तरीके से बनाया है, बस इसमें बथुआ का टेस्ट है। तो इसको तिकोना फोल्ड करके और बेल कर हम तैयार कर लेंगे। Thank you.
तब तक मैंने इधर तवा रख दिया था गरम होने के लिए, तो इस पे पराठा डाल देंगे और जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। और ये जब दूसरी साइड से भी पक जाएगा तो इसको हम फिर से पलट देंगे। और उसके बाद जो है इस पे घी लगा देना है, घी या तेल जो भी आपको पसंद है उसको हमें लगा देना है दोनों साइड, और चम्मच से अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के सेकना है जिससे ये कच्चा ना रहे। अगर आप दबा दबा के नहीं सेकेंगे तो कई बार होता है कि कोने जो हैं हमारे कच्चे रह जाते हैं और फिर पराठा अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से इसको दोनों साइड से अच्छे से दबा दबा के सेकना है। और ये जो पराठा है खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता ही है, लेकिन बथुआ का बना है तो ये बहुत हेल्दी भी होता है, तो आप जो है इसको ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एक पराठा देखिए हमारा रेडी हो गया है, तो इधर मैंने प्लेट भी लगा दी है क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आलू गोभी की सब्जी है शादी वाली, और आंवले की चटनी है और पराठा है, बहुत ही अच्छा लगा खाने में हमें। तो दूसरा पराठा भी देखिए हो गया है और इसको भी पलट दिया था। तो फ्रेंड्स पराठे जो हैं वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, एक तरफ बनते जाएँ एक तरफ लोग खाते जाएँ, तो मैं जो है बना बना के दे रही हूँ और जो हमारे घर में खाने वाले हैं वो खा रहे हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो दोनों लोग खा रहे हैं और मैं पराठे सेक के दे रही हूँ। और आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो रेसिपी अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी वीडियो पहले देखेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप मेथी के पराठे, बथुआ के पराठे, पालक के पराठे आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो आटा लगाया है ना इसकी आप पूरी भी बना सकते हैं, बस वही है पूरी को हमें डीप फ्राई करना होता है पराठे में, हमारे कम तेल घी में काम चल जाता है। तो आपको जो पसंद हो जो खाना अच्छा लगता हो आप वो बना लीजिए, लेकिन आटा जो है कई तरीक़ों से हम बना सकते हैं पूरी पराठे का। यहाँ पर मैंने आज पीस के बनाया है, मैं कई बार इसको बथुआ को बॉईल करके भी बना लेती हूँ, उसका टेस्ट अलग आता है इसका टेस्ट अलग आता है। देखिएगा ये पास में आने के बाद ग्रीन लग रहे हैं, दूर से डार्क लग रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा ब्रेकफास्ट थाली जो है कैसी है, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।